नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की श्रृंखला में जो अगली कहानी है उसका नाम है स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू रामप्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते? उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए, एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का ये कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देखरेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ और जो इच्छा होगी वो होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है? मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी मैं बैठा हूं। दरअसल रामप्यारी और रामदुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन दैव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख, ग्लानि, संताप हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। शायद शिवदास वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। रामप्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा दैव गति में तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 200 काम है, कोई साधु आ जाए, कोई पहुना ही आ पहुंचे तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हिले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वो कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर उस कोठरी को खोला करते थे, फिर उसे बंद कर वो ताली अपने कमर में रख लेते थे। रामप्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता। सारे घर के लिए वो कोठरी तिलिस्म या यूं कहिए कि रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया ताकि उसे भंडारा खोलते कोई देख न ले, नहीं सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था।
मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए थे। कोठरी में एक विभूति सी छाया थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा छा जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसी झुनिया खड़ी है और एक रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो एक पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्चा हो गया है। झुनिया चकरा गई, चौधरी के घर में इस समय एक रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहां सैकड़ों का लेन देन है वो सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही तो उसने जानकी को शेर भर दूध दिया था, यहां तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पढ़कर आई हूं, नहीं तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का एक रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकबक कर रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टल जाए। मैं आज के आठवें दिन आकर दे जाऊंगी, गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपाढ़ा लगता था, रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर बहनों में झाँव झाँव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्काड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों को रातिब दी जा रही है। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वो घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा। क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, ये नहीं कि उपकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिना कुटेंगे। अच्छा, मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झांका, दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है, महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि चार घड़ा पानी नाद में डाल दे। मजूर रखा है, वो भी 3 कौड़ी का। खाने को 1.5 सिर चाहिए, काम करते नानी मरती है। आ जाता है तो पूछती हूं, नाद में पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लाने चले। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है, दूध ज्यादा होता है, घी भी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम करने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वो पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हां, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वो प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है, यहां तक कि
बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगुई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी ये सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और, दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं रहा। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे, जोड़ जोड़ रखने में मजा आता है ना तुझे। प्यारी ने हंसकर कहा, अरे जोड़ जोड़ रखती हूं तो तेरे लिए ही ना, मेरे लिए कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूं, बोल मेरा आनंद कब का टूट पड़ा है। दुलारी ने कहा, तुम ना खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो ना, यहां खाने पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती, मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहां से लाऊं। दुलारी ने उदंडता के साथ कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कड़े आज चाहिए तो चाहिए। इस तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खोटी खरी सुना जाते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का ये धर्म है, सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस ताने धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए, चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे जैसे काया पलट हो गई है। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ के गई थी कड़े बनवाने। संध्या हो गई थी, दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी तो निहाल हो चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बैराठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बैराठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देख उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपत्ति का वो सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बंध गई। यहां तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, अरे एक पैसा दे दे, तमाकू मंगवाऊंगा। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछते हुए भंडारे में पैसे लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वो चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए, और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कतर ब्योंत करने पर भी काम न चलता तो वो अपनी कोई ना कोई चीज निकाल देती, और चीज एक बार हाथ से निकलकर फिर न लौटती थी। वो चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर यहां इज्जत की बात आ पड़ती थी, और जहां इज्जत की बात आ पड़ती थी वो दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में हेठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे,
दो एक चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वे इस जंजाल में क्यों फंसे? दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारे का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता, बोली, कैसी बात कहते हो दादा, पहलौठे लड़के के लिए भी धूमधाम न हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरंजाम कर लूंगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा तेरे पास, कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीजें रहने देगी तभी अच्छा है, तभी सब मुंह जोहेंगे, नहीं कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा तुझसे। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछे तो भी अपने ही रहते हैं, मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है, मैं मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ, लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर के थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी, आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया, नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर गृह से निकल चुकी थी, गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताक कर उसकी निद्रा मग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था, प्यारी की तृष्णा लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम से मुखबद्ध, बोझ से लदा हुआ, हांकने वाले के चाबुक से पीड़ित, दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज सुनकर कनौतियां खड़ी कर लेता है और परिस्थिति को भूलकर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है, कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व जो पिंजरे में बंद मूक निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की चहकार सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटाकर कहा, हां क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है, सांसत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े हैं। मथुरा ने कहा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता, चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा हिस्सा है कि नहीं। दुलारी ने कहा, इससे क्या होता है? बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई ना जीतेगा, मेरा लड़का जब बड़ा हो जाएगा ना तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूंगा। दुलारी ने कहा, मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कोई बड़ा दुद्दा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे ना चलेगा, मालकिन से कहना है कल एक पालना बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़कर काम भी ना करना। दुलारी, ये महारानी जीने देंगी? मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए न मरती है, भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की मां हो गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी।
अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगने लगा, जिसकी सूखी रेत पर वो हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के दो बच्चे और हुए, वो भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजूर उसके यहां टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाना पड़ता। कहने को तो वो अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती, लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ ना कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कौरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे थे, सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी, अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, मगर वो प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है, यहां तो कमाई में बरकत नहीं है, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वो भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहां 2-3 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है, 4-5 साल भी रह गया तो मालामाल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बाले हुए हैं, इनके लिए कुछ अच्छा तो करना होगा ना। दुलारी ने भी समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना पड़ेगा। प्यारी ने जब यह प्रस्ताव सुना तो सुनकर आवाक रह गई, उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी, यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई होगी। बोली, मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहां भी तो मदरसा है, फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा ने कहा, इतने दिन खेती करते तो हो गए, अब तक तो कुछ ना हुआ, अब क्या हो जाएगा। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुष भी थक चला है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोतकर उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे बस एक टुकड़ा दे देना, मैं पड़ी रहूंगी किसी कोने में। मथुरा आद्र कंठ होकर बोला, भाभी ये तुम क्या कहती हो, तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूं, सब कुछ समझता हूं। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहां बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहां देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी भी वहां न लगेगा, दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले कितना खर्चा होता है, उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहां रहकर क्या करूंगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने का फायदा क्या है। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहां का कारोबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। खैर
प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रहती थीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठ जाता था। वो देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं। जो उसके जी में आता वो भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वो ममता जिस खाद्यल को खा खा कर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही हो। नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य साकार दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे उसे। लड़कोरी न होकर भी वो बच्चों के लालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। अच्छा देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बनना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर न हिलाएं, तो ये हो नहीं सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं ना, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढेले का खिलौना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनाती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें वो दृश्य देखना ना पड़े। घड़ी भर में यह घर सोना हो जाएगा, वो दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, ये सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल होती थी। वो कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, ये लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते, ये तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने अपने होते हैं। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वो क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वो दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना भैया, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भंभड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वो इतनी विह्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थीं, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, ये काम करने क्यों नहीं चला जाता, यहां मेरे पीछे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे एक क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यो ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे।
उधर मथुरा की चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वो समझता है मैं उसके आश्रय बैठी हूं, है? उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूं। घर में तो अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेत बारी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वो खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वो अब साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी, खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा? जोखू ने कहा, चार क्यारियां बज रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वो हीले बहाने करता था, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रहती है, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो ले। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहां आलोचना हुई जा रही है। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूद पड़ती हो। कल के लिए तो ऊंचवा के खेत बड़े सूख रहे थे, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे में पहुंचता और कोई आकर ना छेक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती तो सारी उख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़े रही हूं पगला, मैं कह रही हूं कि जान रखकर काम किया कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू ने कहा, कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक तो नहीं दुखा मेरा, आगे को नहीं जानता, कहो तो रात भर काम करता रहूं। प्यारी ने कहा, मैं क्या जानू, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जूर आ गया था, पेट में दर्द हो रहा था। जोखू झेपता हुआ बोला, वो बातें तो तब थी ना जब मालिक लोग चाहते थे कि मुझे इसे पीस डालो, अब तो जानता हूं मेरे ही माथे है, मैं ना करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती हूं। जोखू ने कहा, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारा दिन तुम वहां बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर का तो होता नहीं, सगाई कर लूं, 1.25 शेर खाता हूं, 1 जून पूरा 1.25 शेर, 2 जून के लिए 2 शेर चाहिए मुझे खाने के लिए। प्यारी ने कहा, अच्छा अच्छा मेरी रसोई में खा लिया कर, देखू कितना खाता है। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी, 1/2 शेर के 2 रोटा बनाकर खिला दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूं, बस आटा सान कर 2 लिट्टा बनाता हूं, उपले पर सेंकता हूं, कभी मट्ठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से, रगड़ के खाता हूं। प्यारी ने कहा, ठीक है चल, मैं तुझे आज फुलके खिलाऊंगी। तब तो सारी रात खाते खाते ही बीत जाएगी। अरे बकमत, चल चटपट हाथ मुंह धोकर आ और बैठ। जोखू ने कहा, बैलों को जरा सानी पानी दे देता हूं तो आता हूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूं धान रोपने की कोई जरूरत नहीं है, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं। बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघा और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूं, मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा।
अरे तो तब घर में दो जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूं, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूंगा। चल झूठा कहीं का, कहता था दो सिर खाता हूं, चार सिर खाता हूं, आध सिर में रह गया था तू। एक दिन तौलोगी ना तब समझोगी, तौला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूं धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकाना होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, ये देख किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा, मैं खाली बैठता हूं तो बार बार खाने की सूझती है मुझे, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से जाना, आज बैठ। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, बोलो क्या कहती हो, बोलो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, तुझसे पूछती हूं अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेता, अकेले मरती हूं, एक से दो हो जाऊंगी। जोखू ने शर्माते हुए कहा, मालकिन तुमने फिर वही बात कर दी, किससे सगाई कर लूं, यहां ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए जान खाते फिरे। प्यारी ने कहा, तो तुमने कड़ी कड़ी शर्त लगाई है, ऐसी औरत कहां मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू ने कहा, ये मैं थोड़े ही कहता हूं कि वो गहने ना चाहे, हां मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया, बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू ने कहा, मैं कहूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई, बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू ने कहा, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो, बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया, उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।